पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गो सेवा को लेकर सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पर आवारा गाय घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गो सेवा के नाम पर जो भी पैसा आता है उसका पता नहीं चलता, लेकिन सड़क पर घूम रहे आवारा गाय दुर्घटना का शिकार होकर मर जाती हैं। ऐसा ही ताजा मामला शनिवार को गुलाबबाड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ, जिसमें एक गाय ट्रेन से टकरा गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। श्री गो माता सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर गाय को बचाया और उसका उपचार कराकर गौशाला भेजने का काम किया। इस दौरान गो माता सेवा समिति के सदस्य गोलू अरोड़ा, गीता पांडे, धर्मेंद्र अग्रवाल आदि लोग भारी संख्या में गो सेवा का कार्य किया। मोहम्मद पटेल का उसमें संख्या मिली की एक गाय इंदिरा कॉलोनी के पास में रेल से टकरा गई है और तुरंत हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारी महिला संगठन की उपाध्यक्ष है प्रीति अग्रवाल जी और यहाँ पहले से मौजूद है गोलू अरोड़ा जी है और मैं भी वक्त यहाँ पे आया था। देखा की एक गाय रेलवे लाइन किनारे पड़ी हुई है जो काफी छोटे हैं। क्षेत्रवासियों के सहयोग से उसे उठाकर हमने एक साइड को रखवाया, उसका ट्रीटमेंट करवाया। काफी मेहनत करनी पड़ती है, बराबर में रेलवे की दीवार है, उधर हम ले नहीं सकते और रास्ता गाड़ी आ नहीं सकती है, बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। यहाँ कटघर रेलवे स्टेशन से लेके अपनी डबल फाटक तक आए दिन कोई ना कोई गाय जो है घायल होती रहती है, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारे गौपालकों की है जो अपनी गाय को ग्रस्त होते हैं। उससे ज्यादा इसमें जो है कमी है वह नगर निगम की है कि नगर निगम को योगी सरकार के आदेश द्वारा यहाँ पे उन्हें पैसा भेजा जा रहा है और आदेश भी है कि गाय को संरक्षण दिया जाए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गाय अपना घूमती फिरती है। इसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए जो गाय जितनी भी कूड़ा करकट खा रही है उन्हें ले जाकर गुलाबबाड़ी पे रखा जाना चाहिए और गुलाबबाड़ी में जगह बनी है लेकिन नगर निगम हो रहा है।